के किले में जब मिसाइल दस्तक देती है तो किसी का नाम और पता नहीं पूछती। आसमान को गुबार से भर देती है और लाशों का अंबार लगा देती है। ऐसी तस्वीर देर रात गाजा में दिखी, जब एक मिसाइल ने गाजा के अस्पताल में बर्बादी का इतिहास लिख दिया। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में 500 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए और सैकड़ों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। इस हिमाकत को हमास ने नरसंहार बताया है और इसका इंतकाम बहुत जल्द लेने का दावा किया है। हमास ने साफ कर दिया है कि मौत का बदला अब हमास का एक एक योद्धा इजरायल में तबाही मचा कर लेगा। इजरायल की जमीन को गाजा की तरह खून से लथपथ कर देगा। इजरायल में इतनी मिसाइलें दागी जाएंगी कि इसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी। इससे न ब्रिटेन बचेगा, न जर्मनी और न ही फ्रांस। يتحمل مسؤوليتها الأمريكان الذين أعطوا الغطاء اللامحدود لهذا العدو ليرتكب هذه المجازر، هذه جرائم الحرب، هذه الإبادة الجماعية. يتحمل مسؤوليتها الذين وفروا الغطاء في مجلس الأمن ورفضوا إدانة هذا الاحتلال وهذا العدوان. गाजा अस्पताल में विस्फोट के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपनी जॉर्डन की यात्रा को रद्द कर दिया। उन्होंने फिलिस्तीनी अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और इस अटैक की निंदा की। जरा هذه الليلة فاجعة كبيرة ومجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر دون حساب. गाजा सिटी अस्पताल में जिस वक्त हमला हुआ, चारों तरफ मातम पसर गया। अस्पताल का हर कोना लोगों की चीखों से गूंज उठा। जान बचाने के लिए जख्मी हालत में लोग इधर उधर अस्पताल में भागते रहे। जो अस्पताल से बाहर निकल गया वो बच गया, बाकी मौत की आगोश में सो गए। गाजा के अस्पताल में हुए इस नरसंहार को इजराइल स्वीकारने को तैयार नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी मिसाइल को इजराइल ने अस्पताल को टारगेट करके नहीं दागा। טרם יש בידינו את כל הפרטים, אנחנו נבדוק. קשה לעמוד מיד, זו הייתה תקיפה שהייתה לפני זמן קצר וכבר יש מספרים כאלה, לכן אנחנו נעמוד על הפרטים, נדע את העובדות בצורה מדויקת ונעדכן את הציבור. इजरायली सेना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि युद्ध के दौरान ऐसे न जाने कितनी मिसाइल और रॉकेट दोनों तरफ से दागे जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं तबाही मचाने के लिए। इजरायल का अब तक ऐसा कोई भी रॉकेट फेल नहीं हुआ जो गाजा की तरफ दागा गया हो। गाजा के अंदर मची तबाही का कसूरवार हमास ही है, जिसके दागे मिसाइल ने वहाँ के अस्पताल में नरसंहार मचाया और 500 लोगों की मौत हो गई। כיוון שיש הרבה תקיפות של חיל אוויר ויש גם הרבה שיגורים כושלים ויש גם הרבה דיווחים כוזרים של חמאס, נכון שאנחנו נלמד את הפרטים וניתן לציבור את האמת. इजरायल और फिलिस्तीन के अधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। इस विस्फोट के बाद वेस्ट बैंक और मध्य पूर्व के आसपास विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 2008 के बाद से जारी इस जंग के बीच ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें एक साथ 500 लोगों की मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वर्चस्व के लिए युद्ध भले ही हमास और इजरायल में जारी हो, लेकिन संघर्ष की इस ज्वाला में दोनों ही मुल्कों के लोग पिस रहे हैं। सड़कें खून से लाल हैं और बर्बादी के अमिट निशान सरहद पर बनते जा रहे हैं।